आज मुझे पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज्यादा खुश। दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में चलाने का आदेश दिया है। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि डंकी को आम जनता काफी ज्यादा पसंद कर रही है। हर कोई इस फिल्म पर बात कर रहा है, वही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डंकी को संसद में चलाया है। राष्ट्रपति भवन में भी डंकी को चलाया गया और राजकुमार हिरानी को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया। वही दोस्तों, डंकी का क्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वही डंकी राजू हिरानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। इससे पहले पीके से सिर्फ 25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और वही फिल्म आगे जाकर 700 करोड़ कमाई थी। अब डंकी और सालार कितना आगे जाएगी ये देखना होगा। कर देंगे, राजू हिरानी मास्टरमाइंड हैं इस फिल्म के, जिन्होंने फिल्म नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हमेशा याद रखने वाली फिल्म बनाई है। दोस्तों, फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सालार शुरुआत में अच्छी कलेक्शन करेगी क्योंकि एक्शन फिल्म है, उसको प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है, लेकिन डंकी एक लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रही है। लाइफ टाइम में डंकी बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, डंकी का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और हिंदी मार्केट में डंकी सुनामी लेकर आ रही है। कमेंट्स में जरूर बताना डंकी या सालार किस फिल्म की स्टोरी आपको अच्छी लग रही है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिल्मों की अपडेट मिलती रहेगी।